ये परिणामों की भी गहराई में जाके विचार करो कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। ये जो पर्याय में स्वांग बन रहे हैं, नाना प्रकार के परिणामों के स्वांग बन रहे हैं, वे सारे स्वांग कर्मोदय जनित कर्म चेतना है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। अभी अपन की प्रॉब्लम क्या होती है कि जो परिणाम आते हैं, जैसे भी परिणाम आते हैं, हम उन परिणामों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब हो जाते माने उन परिणामों में तन्मय हो जाते हैं। जैसे देखो, क्रोध का परिणाम आया तो बिल्कुल ऐसा मान लेते कि मैं क्रोधी हो गया, ख्याल में है ना, ऊपर उसी क्रोध में तन्मय हो जाते हैं। कोई भी परिणाम चलते, देखो परिणाम तो अनेक प्रकार के आते हैं, पर्याय के स्वांग हैं कर्म के। जैसे क्या है, जैसे दर्पण के सामने कोई भी पदार्थ झलकता है तो वैसा दर्पण में झलकता है, वैसे समझ गया ना। कीचड़ आया तो कीचड़ झलकेगा, घोड़ा निकले तो घोड़ा झलकेगा, जो जैसा पदार्थ वहाँ से संयोग को प्राप्त। ऐसे ही हमने पूर्व में अनेक प्रकार के कर्म बांध रखे, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के ना। देखो जैसे अभी भी हमें कितने प्रकार के राग द्वेष चल रहे, तो उतने ही प्रकार के बंद हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे। ऐसे हमने पिछले जन्मों में ना जाने कितने कितने जन्मों का कर्म बांध रखा है। अब क्या होता है, उस कर्म की डेट फिक्स है, ध्यान से समझना, उस कर्म की डेट फिक्स है कि 9:10 पर तुम्हें क्रोध नाम की प्रकृति का उदय आने वाला है, बिल्कुल 100%। और उसमें तुम चाहे कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि कब आने वाली। नहीं समझ में आया, अब तुम तो सामान्य से चल रहे हो और बिल्कुल 9:20 पर क्रोध नाम की प्रकृति आई, और ऐसा ही उदय निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि तुम अगर निचली भूमिका में हो तो वो कर्म की प्रकृति और वो पर्याय की योग्यता दोनों मिलके क्रोध उत्पन्न करेंगे। जैसे आचार्य ने इसके लिए उदाहरण दिया बहुत अच्छा, चूना और हल्दी मिलते हैं तो क्या होता है, लाल रंग पैदा होता है। अब लाल ना तो चूना था और ना लाल हल्दी थी, तो फिर लाल कहाँ से आ, उदाहरण दिया है समय सार में कि लाल ना तो चूना था, चूना कैसा था, सफ़ेद, हल्दी कैसी थी, मुझे दोनों मिलके ना तो लाल ना तो पीला पैदा हुआ ना सफ़ेद पैदा हुआ, एक तीसरी ही चीज़ पैदा हो गई, कौन सी, लाल कलर पैदा हो गया। ऐसे आचार्य कहते कर्म जड़ था, खेल में आया, और जीव जीव था, ये बीच में क्रोध था ही नहीं। फिर आया कैसे कि जब यहाँ कर्म का उदय और यहाँ जीव की पर्याय इन दोनों का संबंध होता है तो वो कषाय उत्पन्न होती है। ऐसे जन्मों जन्मों के कर्मों के खेल चल रहे हैं। अब देखो अपनी जो अनादि काल से स्थिति बनी हुई बिल्कुल यही बनी हुई है, यहाँ कर्म का उदय, यहाँ पर्याय की योग्यता, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध, और ये सब बाहर में राग द्वेष क्रियाकांड जो होता होता चला जाता है। अब वो कर्म का उदय प्रति समय जीव के चल रहा है, और वो कई तरह के हैं, वो एक तरह के नहीं हैं। कभी आपको ऐसा कर्म का उदय आएगा कि आपके परिणामों में अचानक सरलता आ जाएगी, हेल में बिल्कुल सरलता आ जाएगी, वैराग्य के परिणाम आ जाएंगे, संसार असार दिखाई देने लगेगा, पैसे से विरक्ति नहीं रहेगी, समझ में आया, स्त्री पुत्र मकान दुकान से वैराग्य आएगा। सो ये भी एक कर्म के उदय की जाती है, ये भी कर्म का ही खेल है, ये भी कर्म चेतना है। ये कर्म चेतना कसाई की मंदता रूप है, माने दो कर्म के उदय समझ गए, एक शुभ कर्म का उदय, एक अशुभ कर्म का उदय, शुभ प्रकृति एक अशुभ प्रकृति। तो जब शुभ कर्म का उदय आया, कसाई की मंदता हुई, माने शुभ कर्म पता क्या कहलाता है, कर्म की तीव्रता का नहीं होना ही कसाई की मंदता ही शुभ कर्म है। इतना सा सरल, समझ में आया, कोई तेज मुक्का मारे तो दांत टूट जाए, और कोई धीरे से मारे तो दांत ना टूटे, थोड़ी सी लगे, तो समझो मुक्का धीरे से मारा, पकड़ में आया कि नहीं आया। कर्म की उदय की मंदता इसे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी आप नोटिस करोगे कि सब कुछ वो ही है, आपके पास वही तत्व ज्ञान है, वही वस्तु स्वरूप है, वही देवशास्त्र गुरु हैं, लेकिन आज कहीं पर भी मन नहीं लग रहा,
आज परिणामों में सुबह से ही आकुलता पैदा हो रही, बिल्कुल अपने आप कोई कारण पैदा, सुनो आपको कुछ ना कुछ निमित्त दिखेगा आकुलता का, ये भी एक संबंध है। कि कैसे दिखेगा कि सुबह सुबह उठे और अचानक कुछ ऐसी बात याद आ गई कि जिससे आकुलता पैदा हो गई। अब आपको क्या लगता है कि ये बात याद आई ना, इससे मुझे आकुलता पैदा हुई? श्री गुरु कहते नहीं, ये तो बाहरी निमित्त है, ये तो कुछ ना कुछ निमित्त बना के आज आकुलता होनी ही थी। तो तुम्हें एकदम से सुबह उठे और व्यापार की याद आ गई, क्या जिसको माल देना उससे माल लेना, मेरा माल नहीं जा पा रहा, पैसा नहीं देना, अब जो सुबह ही सुबह आ रहे थे विचार, जबकि तुम मंदिर के लिए तैयार हो रहे हो, अब जे विचारों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अभी तुम फैक्ट्री 11 बजे 10 बजे जाओगे, तब वहाँ विचार आते तो समझ में आता सुबह 6 बजे उठ के क्यों आने लग गए। आज कर्म का उदय तीव्र है, ऐसे ज्ञानी पहचानते हैं सब, इसलिए ज्ञानी कर्म के उदय का विचार करके अंदर सब भेद ज्ञान करते रहते हैं, और वो बाहर बहते तो रहते हैं, बाहर में बहते हैं वो भी परिस्थिति के अनुसार, लेकिन उन्हें अंदर सब जानते हैं कि ये पर्याय का स्वांग है और आज बदल गया है। आज किस रूप हो गया है? आकुलता रूप हो गया पर्याय का स्वांग। आज कसाय बहुत उत्पन्न हो रही है, तो देखते हैं शांति से, लेकिन वे अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं छोड़ते, उस स्वांग को देखते हैं, क्रोध भी करते हैं, कसाय भी चलती, लेकिन उनको कसाय और आत्मा और उपद्रव इन तीनों के भेद पता है कि जे कसाय कैसे उत्पन्न हुई वो बताई मैंने, ये लाल रंग कैसे हुआ हल्दी और चूना का संयोग, ऐसे ये कसाय उत्पन्न कैसे हुई पूर्व कर्त कर्म का उदय और यहाँ पर्याय की योग्यता, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। जब भी जब जीव विभाव रूप परिणमन करता है तो वो बिना कर्म के उदय का नहीं करता, ऐसे ही जीव में योग्यता नहीं है कि जीव की पर्याय में बिना कर्म के विकार हो जाए। क्या सिद्ध भगवान के कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, अरहंत भगवान के कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि जब पर्याय का कार्य पर्याय करती है और पर्याय में अपनी योग्यता से होता है तो सिद्ध भगवान की पर्याय में विकार क्यों नहीं हो जाता, तो वहाँ उत्तर दिया कि कर्म का उदय नहीं है। तो साहब आपने तो कहा था कर्म का उदय कुछ नहीं करता, विकार के लिए कर्म का उदय चाहिए ही चाहिए। देखो स्वभाव और विभाव की परिभाषा क्या बनाई आचार्य ने, सोचो उन्होंने कहा विभाव किसे कहते हैं जिसमें पर द्रव्य निमित्त हो, क्या जिसमें किसी पर द्रव्य का निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित हो उसे विभाव कहते हैं। जैसे पानी उष्ण हुआ तो पानी का उष्ण होना तो पानी ही गर्म रूप परिणमन हुआ या कोई और हुआ, गर्माहट किसकी है? पानी की, पानी ही अग्नि रूप तब अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ, तो भी श्री गुरु कहते ये पानी का स्वभाव नहीं माना जा सकता। कि क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि पानी अग्नि के निमित्त से गर्म होता है, अपने आप कभी नहीं होता, समझ में आया? ऐसे ही जीव अपने आप कभी रागादि रूप परिणमन नहीं करता, कर्म का उदय उसमें निमित्त अनिवार्य रूप से जरूरी है। ऐसा ही दोनों का अनादि से निमित्त नैमित्तिक संबंध है।